केंद्र में मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। वहीं बीजेपी की इस खुशी को कांग्रेस ने विश्वासघात बताया है। कांग्रेस ने आज बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है, जिसमें नारा दिया है कि 4 साल में मोदी सरकार ने किया विश्वासघात। इसके साथ ही आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के तानाशाही रवैये से जनता परेशान है। मोदी सरकार के केंद्र में 4 साल पूरे होने वाले हैं। जब बीजेपी सरकार में आने वाली थी तब नारा लगाया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था को देखकर तो यही लगता है कि अच्छे दिन सिर्फ सपने में देखने के लिए थे। हकीकत तो ये है कि जनता आज बेहाल है। इतनी नाकामियों के बावजूद सरकार अपनी कामयाबी का जश्न मना रही है। बीजेपी का कहना है कि 4 साल में बीजेपी ने जनता के लिए जी जान से काम किया है, महंगाई काबू की गई है, मोदी के राज में अर्थव्यवस्था भी पटरी पर है। बीजेपी के इसी दावे को खारिज करते हुए आज कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर प्रधानमंत्री और बीजेपी पर लोगों से विश्वासघात का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के महासचिव अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों में डर का माहौल है और उन्हें छले जाने का एहसास है, उनका भरोसा टूटा है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और लूट मची हुई है, लेकिन सरकार है कि झूठ बोलने से बाज नहीं आती। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को लोगों की परेशानियों का रत्ती भर भी एहसास नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।